प्रकाश यानी लाइट का दूसरा क्लास है। यदि आपतित किरण M1 के समांतर है और निर्गत किरण M2 के समांतर जाती है तो दर्पण तो दर्पणों M1 और M2 के M1 और M2 के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। आंसर 60 डिग्री। नहीं, ये दर्पण M1 हो गया, दर्पण M1, और ये दर्पण हो गया आपका M2। M2 दर्पण कहता है यदि आपतित किरण M1 के समानांतर, आपतित किरण ये आपतित किरण यहाँ चला, ये M1 के समानांतर, इसके समानांतर है आपतित किरण, आपतित किरण M1 के समानांतर तथा निर्गत किरण M2 के समानांतर, ये निर्गत किरण आ रही है M2 के समानांतर, आपतित किरण M1 के समानांतर आके दर्पण M2 से टकराई, M2 से टकराने के बाद M1 पर रिटर्न आया और M1 से टकरा कर निर्गत होते हुए बाहर निकली जो M2 के समानांतर है, और ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे दोनों दर्पणों के बीच ये 60 डिग्री का होगा। देखिए समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण में यह एक समतल दर्पण है। यहाँ एक वस्तु आपका है, ये वस्तु हो गया, वस्तु, और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा, दर्पण से 50 मीटर की दूरी पर वस्तु है तो उतना ही दूसरे दूसरे तरफ उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी 50 मीटर पर, यानी वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो गया 100 मीटर। वस्तु का ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड, और समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यानी राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट, इस तरफ राइट साइड है तो प्रतिबिंब में इस तरफ लेफ्ट साइड हो जाएगा और इस तरफ लेफ्ट साइड है तो इस तरफ राइट साइड हो जाएगा। ऊंचाई दोनों के सेम रहेगी समतल दर्पण में, 1 मीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनेगा जब 1 मीटर ऊंचा
वस्तु है तो वस्तु की ऊंचाई एच मीटर, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा एच मीटर। प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन ऊंचाई में, सॉरी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ देखिए प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और पार्श्वर पार्श्वर रूप से उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब में दाया भाग बाया हो जाएगा और बाया भाग दाया। समतल दर्पण से कोई वस्तु समतल दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूरी पर होगी, जितनी दूरी पर होगी दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। समतल दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति की ऊंचाई जितनी होगी, उतनी ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। दर्पण में किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम लंबाई का समतल दर्पण उस व्यक्ति की ऊंचाई का उस व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना जरूरी है, आधा होना जरूरी
जैसे एग्जाम्पल, एक 6 फीट के व्यक्ति, एक 6 फीट के व्यक्ति, एक 6 फीट के व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब, अपना पूरा प्रतिबिंब, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम 3 फीट लंबाई के समतल दर्पण चाहिए। दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु की चाल बराबर होती है। दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु की चाल बराबर होती है। जितनी चाल से वस्तु दर्पण की ओर आएगी, प्रतिबिंब भी उतनी ही चाल से दर्पण की ओर आएगी। लेकिन सामने से आने वाले व्यक्ति को प्रतिबिंब दुगुना गति से आती हुई प्रतीत होती है। अगर व्यक्ति दर्पण से दूर जाता है तो प्रतिबिंब उतनी ही गति से दर्पण से दूर जाती है, परंतु व्यक्ति को लगता है कि प्रतिबिंब दोगुना गति से दूर जा रहा है। इसका कारण दर्पण का प्रतिबिंब और व्यक्ति
और व्यक्ति की चाल आपस में सापेक्ष चाल बन जाती है। जैसे वस्तु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिबिंब की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा एक सापेक्ष चाल है। जो दर्पण में यह नियम लागू नहीं होता है, दर्पण में क्या होता है कि वस्तु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिबिंब की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सापेक्ष चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा या सापेक्ष चाल दर्पण में लागू होता है। ये लागू नहीं होता है x माइनस वाई, ये लागू होता है दर्पण में x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि वस्तु की चाल और दर्पण, वस्तु की चाल और प्रतिबिंब की चाल हमेशा जोड़कर ही दर्पण में लागू किया जाता है। यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ भी चाल से चलना प्रारंभ कर दे तो प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल टू भी होगी। किचन, एक व्यक्ति समतल दर्पण से दस मीटर प्रति सेकेंड की गति से दूर जा रहा है और दूसरा व्यक्ति दर्पण को उठाकर उसके विपरीत दिशा में टू मीटर प्रति सेकेंड की गति से जा रहा है, तो प्रतिबिंब की चाल क्या होगा? प्रतिबिंब की चाल क्या होगा? V1 बराबर प्रतिबिंब की चाल, Vm बराबर दर्पण की चाल और V0 इक्वल टू वस्तु की चाल की चाल। तो
V1 इज इक्वल टू V2 माइनस V0, तो V1 इज इक्वल टू 2 × +2 −(-10) बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड प्लस 10 मीटर प्रति सेकेंड इज इक्वल टू 14 मीटर प्रति सेकेंड आंसर। वस्तु के चार्ज यहाँ माइनस में लिया जाएगा क्योंकि वस्तु दर्पण से दूर जा रही है, अगर भीरू आएगी तो प्लस में लिया जाएगा वस्तु की चार्ज। जैसे पैराग्राफ में समझ लीजिए, ये हो गया आपका ए +x + y - y इधर -x, तो वस्तु इस दर्पण से दूर जा रही है इसलिए माइनस में लिया जाएगा। विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में दूर जाने के कारण माइनस में होगा ये। दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या, समरूपता, ये हो गया असमरूपता, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या इज इक्वल टू 360 / θ - 1। अब असमरूपता में प्रतिबिंबों की संख्या 360 / θ, नोट प्रतिबिंबों की संख्या सम विषम कोई भी आ सकती है, प्रतिबिंबों की संख्या सम विषम कोई भी आ सकती है। असमरूपता में प्रतिबिंबों की संख्या होता है 360 / θ होता है, और दूसरा होता है 360 / θ - 1, क्योंकि इस परिस्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम आना जरूरी है। प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम आना जरूरी है। क्वेश्चन, दो समतल दर्पणों को 120 डिग्री पर रखा गया है, समरूपता के आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो, तो 360 / θ - 1 बराबर 360 / θ कितना हो गया 120 डिग्री, तो बटा 120 - 1 0 से 0 12 3 36 3 - 1 = 2 आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री पर रखा
गया है। समरूपता के आधार पर के आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। समरूपता के आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटा थीटा माइनस वन बराबर 360, थीटा की जगह पर 90 माइनस वन, 9 चौका 36, 4 माइनस वन बराबर 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन हो गया कि दो समतल दर्पणों के 90 डिग्री पर रखा गया है और ये चेंज कर दीजिए, असमरूपता, असमरूपता के आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या, असमरूपता के आधार पर सेम क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा थीटा बटा 360 बटा थीटा, तो ये हो जाएगा 360 बटा थीटा यानी कि 360 बटा 90, 9 चौका 36, तो इसमें बी सम आना जरूरी है, तो बी सम आया तो 4 माइनस वन बराबर 3 आंसर। सामान्य पर 360 बटा थीटा माइनस वन फार्मूला के यूज होगा। जैसे थीटा इज इक्वल टू ले लीजिए 120 डिग्री और असमरूपता के आधार पर, असमरूपता के आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या निकालें सेम टू सेम क्वेश्चन में, तो 360 बटा थीटा यानी 360 बटा 120 बारह या 36, इसमें विषम आ गया तो यही फार्मूला यूज होगा, जहाँ सम आएगा तहाँ 360 बटा थीटा माइनस वन फार्मूला यूज होगा। समतल दर्पण का फोकस, समतल दर्पण का फोकस अंत पर होता है, इसलिए दर्पण का फोकल अंत पर होता है, यानी समतल दर्पण का फोकस अंत पर होता है, इसीलिए इस समतल दर्पण का फोकल भी अंत पर होता है। समतल दर्पण की क्षमता यानी शक्ति शून्य होती है, समतल दर्पण की क्षमता यानी शक्ति शून्य होती है, समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है, यह समतल दर्पण है, इसका फोकस एफ अनंत पर है और ये आपतित किरण हो रही है, आपतित किरण और यहाँ से लट रही है, इसका भी फोकल जो हो गया फोकल अल्फा अनंत पर है। समतल
दर्पण का उपयोग। स्नान घर के दर्पण में इसका प्रयोग किया जाता है। पेरियस्कोप कैलिआइडोस्कोपी और समतल दर्पण का प्रयोग स्नान घर के दर्पण में किया जाता है, पेरियस्कोप में किया जाता है, पेरियस्कोप जो पनडुब्बी में लगा रहता है, और कैलिआइडोस्कोपी में किया जाता है। समतल दर्पण की अवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन अवर्धन क्षमता m=3 आवर्धन क्षमता 3 है और 6 फीट की वस्तु है, 6 फीट की वस्तु तो ये प्रतिबिंब में 18 फीट की दिखाई देगी, 18 फीट। आवर्धन क्षमता m=1 होगा और वस्तु की ऊंचाई 6 फीट की है तो यह 6 फीट की प्रतिबिंब दिखाई देगा। m=1/2 है, वस्तु की ऊंचाई 6 फीट है तो यह इसका प्रतिबिंब 3 फीट की दिखाई देगी, यानी प्रतिबिंब उतना ही फीट के दिखेगा जो आवर्धन क्षमता और वस्तु के ऊंचाई का गुणज होगा। जैसे वस्तु की ऊंचाई गुने आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता m=2 है और वस्तु की ऊंचाई 8 फीट है तो प्रतिबिंब 8×2 यानी कि 16 फीट की दिखाई देगी। ओके, आवर्धन क्षमता बराबर आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वह परावर्तित करती है। एग्जाम्पल, लाल रंग की वस्तु इसीलिए लाल
दिखाई देती है क्योंकि वह लाल रंग को परावर्तित करती है। कोई भी वस्तु काले रंग की तब दिखाई देती है जब वह सभी रंगों या प्रकाश के किरणों को अवशोषित कर लेती है। कोई भी वस्तु सफेद रंग की तब दिखाई देती है जब वह सभी रंगों की या प्रकाश की किरणों का परावर्तित कर देती है। लाल गुलाब को हरे कांच में देखने पर वह काला दिखाई देगा। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम हरे रंग में होता है। एवं सबसे ज़्यादा लाल व नीले के मिश्रण में होता है। लाल व नीले के मिश्रण में होता है। प्रकाश जिस माध्यम से आए और उसी माध्यम में पुनः लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना प्रकाश का अपवर्तन है। थैंक्स। प्लीज़ स्टडी व्हील ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें।